हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन टाइम डॉक्टर वंस अगेन। कैसे हैं आप? आई थिंक इट्स फाइन। तो काफ़ी बात हो रही है आजकल मी ड्रोन की, जैसे आप टाइटल पढ़ लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे कि मी ड्रोन वर्सेस स्पार्क, इन दोनों में से कौन से क्या क्या है इन दोनों की स्पेक्स, एंड क्या 2019 में मी ड्रोन लेना चाहिए या स्पार्क ड्रोन लेना चाहिए। मैं दोनों की आपको बताऊँगा। काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी लोग मी ड्रोन के बारे में जानना चाहते हैं मेरी तरफ से कि मैं क्या, मेरे क्या विचार हैं, एंड दोनों चीज़ें बताऊंगा। फिर मैं अपना पर्सनल सजेशन बताऊंगा कि मैं किस क्राइटेरिया पे उसको रखता हूं एंड कैसे मैंने फैसला लिया। बाकी आपकी चॉइस भी है, आपको दोनों ड्रोन्स देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। मतलब पूरा बताऊंगा नॉलेज दोनों के बारे में, जो कि एज ए यूज़र जो मुझे लगता है आपके लिए यूज़फुल होगा डिसाइड करने के लिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बता दूं मैंने स्पार्क ही क्यों इसके लिए रखा। स्पार्क मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो स्पार्क है वो प्राइस कॉम्बो पैक अगर उसका देखा है, जिसमें रिमोट कंट्रोल एंड एक्स्ट्रा बैटरी आपको मिलती है, तो वो प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट मी ड्रोन 4K जो आता है काफ़ी लोगों के पास है तो उससे मैच करता है। तो प्राइस में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मोस्टली हमें ये देखा जाता है कि जहाँ पर प्राइस कम है वहाँ पर हमने जाना है, तो मैं प्राइस को इसमें क्राइटेरिया नहीं मानूंगा। तो प्राइस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, इवन मी ड्रोन थोड़ा सा डॉलर्स में अगर बात करें तो $10-15 ऊपर होगा, अदरवाइज प्राइस हिसाब से ऑलमोस्ट सेम है दोनों ड्रोन्स। इंडिया में भी दोनों का रेंज सेम ऑलमोस्ट पड़ेगा, वेरिएबल है। कुछ सेलर ज़्यादा महंगा बेचते हैं, कुछ थोड़ा कम महंगा बेचते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो जो भी है इट्स ऑल योर चॉइस। तो बात करते हैं दोनों ड्रोन्स की। दोनों ही मैं कहूँगा कि बिगिनर ड्रोन से नेक्स्ट लेवल के ड्रोन, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि स्पार्क जैसे स्टार्ट होता है वो गिम्बल वाले ड्रोन है दोनों। तो बिगिनर ड्रोन तो आता है टेलो वगैरह कैटेगरी का, वो बात नहीं कर रही है, थोड़ा उससे सेकंड लेवल के ड्रोन हैं। तो दोनों में गिम्बल है, एंड वेट के हिसाब से देखें तो जो मी ड्रोन है वो थोड़ा हैवियर है एज़ कम्पेयर टू दिस DJI। DJI स्पार्क सिर्फ 300 ग्राम का है और जो मी ड्रोन है वो ऑलमोस्ट 1390 ग्राम का है, ऑलमोस्ट 2-3 टाइम्स हैवियर। अब इसमें एडवांटेज क्या है, हैवी होने से एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहले एडवांटेजेस की बात कर देते हैं। Xiaomi काफ़ी हैवी ड्रोन्स में तो विंड्स में थोड़ी उसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, तो विंड्स को थोड़ा अच्छे से हैंडल करेगा। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हैवी विंड्स में कभी मत उड़ाएं। अपने वेदर ऐप में देखिए 15 km/h से नीचे ही है तो अभी ड्रोन उड़ाएं, उसके ऊपर कोई भी ड्रोन आपके पास है हैवियर से हैवियर भी मत उड़ाएं। तो सेफ्टी के पर्पज से आपके ड्रोन ना खोए उसके पर्पज से बेटर है। तो बेसिकली अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें मी ड्रोन बेटर रहेगा, विंड्स को अच्छे से हैंडल करेगा क्योंकि बड़ा भी है साइज़ में और स्पार्क से थोड़ा हैवी भी है। तो ये तो थी एडवांटेज। बट इसकी डिसएडवांटेज ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है वो मैं आपको बताता हूँ अपने पर्सपेक्टिव से। और ये जनरल व्यू है कि जब आप ड्रोन लेके बाहर उतरते हैं तो जितना छोटा और कॉम्पैक्ट आपके पास ड्रोन होगा उतनी पब्लिक की इंटेंशन आप पे कम बनेगी, उतने ठुल्ले जो हैं पुलिस मतलब जो घूमती है कई बार पंगा लेने को आपके पास कम आएगी। तो उसका फ़ायदा ये है, जब आप ड्रोन उड़ाने जाते हैं तो आपके दिमाग में कोई शॉट चल रहा होता है, अगर आप ड्रोन एंथुजियास्ट हैं अच्छे से, तो वो ड्रोन शॉट जब आप प्लान कर रहे होते हैं कि मुझे इस पेड़ से यहाँ से बचा कर वहाँ से लेके ऐसे ऐसे शॉट बनाना है, वो आपके दिमाग में होता है। और अगर जब पब्लिक आपको वहाँ पर फोकस आपका ख़राब करती है ना, तब आपका शॉट बर्बाद हो जाता है। तो ये बात बहुत छोटी है लेकिन जो ड्रोन एंथुजियास्ट, जो इस लेवल का ड्रोन लेगा वो ड्रोन एंथुजियास्ट ही होगा मेरे हिसाब से, जिसको ड्रोन का शौक है वो अच्छे शॉट्स लेना चाहता है, सिनेमैटिक शॉट्स लेना चाहता है। तो जब वो सिनेमैटिक शॉट्स लेना चाह रहा है, अच्छे शॉट्स लेना चाह रहा है, तब पब्लिक जब उसको ऐसे करेगी ना तो बिगड़ जाता है फोकस। तो उस हिसाब से जितना कॉम्पैक्ट होगा उतना इजी होगा आपको ट्रैवल करने के लिए, उतना इजी होगा आपको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, और कोई पूछेगा तो क्या तो टॉय है तो वो इतना आपको बॉदर नहीं करेगा। तो वो चीज़ आपको स्पार्क में मिलेगी। स्पार्क बहुत छोटा ड्रोन है, टॉय लगता है लेकिन आपको बहुत अच्छी सिनेमेटिक फुटेज देता है। ऑन द अदर हैंड Xiaomi आपको 4K तक फुटेज दे देगा, लेकिन इतना बड़ा है वो, इतना साइज़ है, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। यस,
लोग कहेंगे कि जो का गिम्बल उतर जाती है, कैमरा उतर जाता है, वो फिर फोल्ड होके स्लिम बन जाता है, यह सब मानता हूँ, लेकिन ये सब कुछ तामझाम करने के बाद भी स्पार्क के मुकाबले वो बड़ा ही है, ह्यूज है। यही कारण है कि DJI जैसे जो लीडर है, मैं काफ़ी लोग कहते हैं कि DJI का आप ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि DJI इज़ ए लीडर, DJI के नंबर वन ड्रोन है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तो DJI इन्हीं चीज़ों में फोकस कर रहा है, तो कॉम्पैक्ट ड्रोन ला रहा है, फोल्डेबल, इवन स्पार्क से भी फोल्डेबल मैविक एयर जो उन्होंने बनाया है, और जो उनके हैवी ड्रोन्स हैं मैविक 2 प्रो सीरीज के, वो भी फोल्ड होते हैं। तो ये फोल्ड करने का तामझाम क्यों डाल रहे हैं, वो इसलिए डाला जा रहा है कि आपको कैरी करने में इजी हो, पोर्टेबिलिटी बढ़े। तो पोर्टेबिलिटी इन ड्रोन इज़ ए वेरी बिग फैक्टर जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तो उस हिसाब से स्पार्क जी जाता है। अब इसके बाद स्पीड की बात करें, स्पीड ज़्यादा मैटर नहीं करती ड्रोन शॉट्स में, जितना आराम से आप ड्रोन आए उतना अच्छा है, लेकिन कई बार आप ड्रोन रेसेस यहाँ पर अभी नहीं होती हैं, जब आगे फ्यूचर में होंगी तब स्पीड का मैटर करता है, और तब उस हिसाब से देखें स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है मैविक मतलब मी ड्रोन की है, ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर पर आवर, और जो अपना स्पार्क है वो आपको 51 किलोमीटर पर आवर। बट एज ए सिनेमाटोग्राफर आपको स्पीड नहीं चाहिए, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। बाकी रेंज की आपको मैं बात बताता हूँ, रेंज इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग। अब आप कहेंगे कि ये बड़ा ड्रोन है मी का तो रेंज ज़्यादा देगा, बट जो लिखी होती है उतनी रेंज कभी नहीं मिलती, काफ़ी इन्वायरमेंट्स पर डिपेंड करता है, बट फिर भी ओवरऑल सभी फैक्टर्स को मिलाते हुए जहाँ तक मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं और एक दो फ्रेंड्स का मैंने देखा है, और कई लोग कह रहे थे मैंने मी ड्रोन कभी उड़ाया नहीं, मैंने मी ड्रोन भी उड़ाया है, मेरे पास नहीं है बट मैं मुझे मालूम है उसके क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, मैं बता रहा हूँ इसमें। तो बेसिकली उसका रेंज कम है, रेंज क्यों कम है, मे बी सेंसर्स का कुछ चक्कर है, कोई बैटरी वजन, देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन दैट, तो रेंज उसकी कम है, तो मैं हमेशा हायर रेंज वाला ही रिकमेंड करता हूँ ड्रोन, दैट्स वाई आई से स्पार्क इज़ बेटर देन मी ड्रोन, तो मेरा ये अपना है। बाकी इसमें आपको मैं जो फीचर्स आपको बता रहा हूँ मी के जो अच्छे हैं, वो आपको जैसे बताया 4K आपको मिलेगी फुटेज, आपको बैटरी टाइम ज़्यादा मिलेगा क्योंकि बड़ा ड्रोन है तो बड़ी बैटरी है, वो आपको एडवांटेज ज़्यादा देर तक उड़ा पाएंगे, और एक सिनेमेटोग्राफर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिनेमेटिक शॉट्स, और उन सिनेमेटिक शॉट्स को अगर ऑटो शॉट्स ऑटोमेटिक शॉट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए और आपकी जो सिनेमेटिक शॉट लेने का जो मेहनत है कम कर दी जाए, तो वो मेहनत स्पार्क में कम होती है, क्योंकि जो ऑटोमेटिक शॉट्स और जिस लेवल के वो ऑटोमेटिक शॉट्स आपको प्रोवाइड करवाता है स्पार्क, वो मी ड्रोन नहीं करवा पाता। तो अब मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ दोनों को। सबसे पहले आपको बताए थे मी ड्रोन के फायदे क्या हैं, मी ड्रोन में आपको मिलेगी 4K फुटेज, मी ड्रोन में आपको मिलेगी हैवी कैपेबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट विंड्स, मी ड्रोन में आपको मिलेगा ज़्यादा फ्लाइट टाइम, तो ये एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ अ वेरी ह्यूज ड्रोन, तो एज ए ड्रोन फ्लायर एज ए ड्रोन पायलट मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल है उसको कैरी करना, कितना मुश्किल है उसको साथ ट्रैवल करना, और कितना मुश्किल है उसके साथ पब्लिक को हैंडल करना। नंबर टू, हैवियर होने की वजह से और लैक ऑफ ऑटोमेटिक शॉट्स होने की वजह से बहुत मुश्किल है उससे सिनेमेटिक शॉट्स निकालना, और लैक ऑफ सेंसर्स यही है मी ड्रोन की जो, और आवाज़ बहुत करता है क्योंकि इसमें बड़ा साइज होने की वजह से काफ़ी आवाज़ काफ़ी शोर आपको मिलेगा। ऑन द अदर हैंड स्पार्क के आपको गुड फीचर्स बताते हैं, इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन ऑटोमेटिक शॉट्स मिलेंगे जिससे आप सिनेमेटिक शॉट्स अगर आप नए भी हैं तब भी आप ले पाएंगे। 2-axis गिम्बल है कोई बात नहीं, पर फुटेज आपको बहुत बढ़िया देती है, मी में 3-axis आपको मिलती है, इट इज़ एडवांटेज। बट जैसे मैंने कल भी बताया था कि जो 3rd-axis वाला जो ऑप्शन है ना वो इतना यूज़ होता नहीं है, जो 2-axis से की मदद से ही काफ़ी अच्छी आपको फुटेज मिल जाती है स्टेबलाइज्ड, वेरी कॉम्पैक्ट वेरी इजी टू कैरी स्पार्क। द ओनली डिसएडवांटेज विद स्पार्क इज लेस फ्लाइट टाइम एंड यू कैन नॉट फ्लाई इन हैवी विंड्स। तो व्हाट इज माय रिकमेंडेशन, स्पार्क आई लाइक बिकॉज ऑफ दोज फीचर्स विच आर वेरी गुड फॉर अ सिनेमेटोग्राफर, बाकी इट्स योर चॉइस। अब आप अपने विचार कमेंट्स में लिख सकते हैं, और कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो आप कमेंट्स में बताइए कि मी ड्रोन का ये अच्छा है, स्पार्क का ये अच्छा है, बाकी मैंने आपको बता दिया, डिसीजन इज योर्स।
इफ यू से मी व्हाट आई रिकमेंड, आई विल रिकमेंड टुडे ओनली, ऑलवेज आई विल रिकमेंड DJI Spark ओवर मी ड्रोन बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स विच आर मोर फ्रेंडली इन Spark फॉर ए ड्रोन फ्लायर. छोटा ड्रोन है, कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है, आप अच्छे से फ्लाई कर पाएंगे, ऑटोमेटिक शॉट्स ले पाएंगे जो कि मी ड्रोन में आपको नहीं मिलेगा. दैट्स इट. होप आपको पसंद आएगा वीडियो. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब. वी आर हियर फॉर द ड्रोन्स. थैंक यू. जय माता दी.